हम जो भी प्राइस की बात करते हैं भाई सीधा ऑन रोड ही करते हैं, एक्स शोरूम वगैरह नहीं, क्योंकि एक्स शोरूम तो भाई सिर्फ एक ललचाने के लिए रहता है, बाकी तो फिर भाई कस्टमर को RTO GST ये वो इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ बहुत सारा भाई फास्टैग वगैरह का पे करना है। बेस वेरियंट से ही आपको भाई तीनों एडजस्टेबल हेडरेस भी मिलेंगे और 60-40 स्प्लिट सीट भी मिलेगी। हेलो भाई, क्या हाल चाल है? आज हमारे सामने खड़ी है टोयोटा की अर्बन क्रूजर टेजर, जी हाँ भाई, जो कि हमारी भाई अभी तक नेक्सा ने बहुत भाई पैसे कमा लिए फ्रॉन्क्स बेच के, अब बारी है भाई टोयोटा की। टोयोटा बेच रही है यही गाड़ी को रीबैजिंग वगैरह करके अपने लोगों को नया बदल के। भाई अगर मैं लुक्स की बात करूँ, सबसे पहले अगर मैं वेरिएंट बता दूँ तो इसमें जैसे ES और फिर S+ वेरिएंट आता है, फिर उसके बाद V वगैरह और टॉप आते हैं। ये जो वेरिएंट है ना, जैसे डेल्टा प्लस आता था ना फ्रॉन्क्स में, ठीक वैसे ये वेरिएंट है S+। S+ ही सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, क्योंकि इसमें आपको क्यूबिक शेप में जो दो मिल जाते हैं। अगर आप बेस वेरिएंट वगैरह लेते हो तो उसमें आपको एक सिंगल वो आपको मिलता है प्रोजेक्टर वाला, LED सेटअप नहीं मिलता है। तो ये वाला जो है हमारा S+, ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। क्यों, मैं आपको पूरी एक एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। जैसे सबसे पहले देखो गाड़ी का अगर मैं ओवरऑल लुक्स बता दूं, वैसे फिर से शुरू करूंगा फ्रंट से। इसमें अलॉय व्हील्स वगैरह कुछ ये वाले मिलते हैं, अगर आप उसमें भी ले जाते हो, अगर आप फ्रॉन्क्स के डेल्टा प्लस में, तो डेल्टा प्लस में भी आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। इस तरफ में आप देखोगे तो कनेक्टिंग टेल लैंप्स है, यही वाले वेरिएंट से आपको मिल जाएगी, S+ वेरिएंट है। और ये देखो नीचे में आपको स्किड प्लेट वगैरह भी मिलेगी, ये देखो इस तरफ की। और ये देखो ये है टोटल ओवरऑल लुक, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो ऐसा मतलब फ्रॉन्क्स लेने की सोच रहे हैं तो फ्रॉन्क्स की जगह आप ये वाली भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपको भले से 20,000-30,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ता है, बट कैसा है इसमें आपको जो वारंटी है वो ज़्यादा मिलेगी। फ्रॉन्क्स में आपको 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, बट यहाँ पर आपको पूरे पूरे 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी मिलेगी कंपनी से ही भाई। हाँ, और तो और मतलब ऐसे ही रहेगा ना कि एक ब्रांड में भी एक ट्रस्ट होता है, जैसे टोयोटा है, तो टोयोटा की कैसे आप इसमें सर्विस वगैरह पे भी जाएगी, तो आपकी गाड़ी कैसे एक ऐसे अपनी फॉर्च्यूनर इनोवा के साथ आपकी ये वाली गाड़ी भी सर्विस होते रहेगी। तो कहीं ना कहीं एक ब्रांड वैल्यू होता है टोयोटा के, जो अपने 20-30,000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा है बस वो इसी चीज़ के। बाकी इंजन वाइज सब कुछ सेम है, फ्रॉन्क्स जैसा सब कुछ सेम है। सबसे पहले अगर मैं फ्रंट की बात बताऊँ तो देखो यहाँ पर मिलता है आपको टोयोटा का बड़ा सा लोगो। ये जो टोयोटा है ये क्रोम में नहीं मिलेगा भाई, ये आपको मिलेगा सैटिन क्रोम में, जो अपना ह्योंडई के अभी नए नए लोगो आ रहे हैं ना ऐसे में आपको ठीक उसी में मिलेगा। और बाकी प्रॉपर क्रोम जो है वो ये वाला क्रोम मिल जाएगा। नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दो हॉर्न भी मिल रही है, एक हॉर्न यहाँ पे, एक हॉर्न का प्लेसमेंट वहाँ पर है, बीच में अपना रेडिएटर वगैरह रहेगा, बीच में हमारी यहाँ नंबर प्लेट आएगी, नीचे में आएगी पतली सी स्किड प्लेट, साइड प्रोफाइल जैसे ही आओगे तो देखो यहाँ पे आपको ये कंपनी से आपको मिलेगी DRL विथ कम DRL कम इंडिकेटर भी रहेगा यही हमारे। यहाँ पे आपको तगड़ा LED वाला सेटअप मिलेगा, बहुत मतलब इसकी जो थ्रो है ना आपको भी कुछ चेंज कराने की ज़रूरत ही नहीं है, बाहर से इसका थ्रो ही बहुत तगड़ा रहता है। अब गाड़ी की चलते हैं भाई साइड प्रोफाइल में, कंपनी से आपको रूफ रेल्स भी मिल जा रही है ब्लैक वाली, ये देखो। अब रूफ रेल्स की बात निकली तो मैं आपको बता दूं टोयोटा की जो ग्लैंजा है और मारुति की ये अपनी बलेनो, ये दो गाड़ी ऐसा है आप टॉप से टॉप वेरिएंट लीजिए, आपको उसमें भाई कोई भी ना तो शार्क फिन एंटेना मिलेगा ना तो आपको रूफ रेल्स मिलेगी कंपनी से। इसमें तो आपको भाई देखो रूफ रेल्स भी आ गई ब्लैक कलर की, ऊपर में शार्क फिन एंटेना भी आ गया है। टायर प्रोफाइल की इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले हमको इसमें गुडियर के टायर मिल रहे हैं, वो डिपेंड करता है डीलरशिप टू डीलरशिप। अगर हाँ इसकी चलिए प्राइसिंग भी बताई देते हैं, अब प्राइस इसका मैं बता दूँ तो आपको 10-10.5 लाख रुपए के करीब पड़ेगा। ये S+ वेरिएंट है हमारा, ऑन रोड में बता रहा हूँ सब चीज़। हम जो भी प्राइस की बात करते हैं भाई सीधा ऑन रोड ही करते हैं, एक्स शोरूम वगैरह नहीं, क्योंकि एक्स शोरूम तो भाई सिर्फ एक ललचाने के लिए रहता है, बाकी तो फिर भाई कस्टमर को RTO GST ये वो इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ बहुत सारा भाई फास्टैग वगैरह का पे करना रहता है। फास्टैग तो चलिए 300-500 रुपये में कड़े आता है, कोई वो नहीं है, बट मतलब जो मोटा मोटा सब कुछ मिला के आपको 10-10.5 लाख रुपये के आसपास इसको आपको पे करना पड़ेगा। और अगर आप डिपेंड करते हैं कौन सी सिटी कौन सी स्टेट से कर रहे हैं तो फिर आपको भाई 10,70,000 रुपये भी जा सकती है कीमत। ये हमको डीलरशिप से आप लोगे तो आपको गुडियर के टायर मिल जाएंगे, जिसकी प्रोफाइल है हमारी 185R16, जी हाँ भाई 16 इंच के मस्त इसमें अलॉय व्हील्स मिलेंगे। और बेस वेरिएंट से भी आपको 16 इंच के मतलब टायर मिलते ही है, वो अलग बात है, उसमें स्टील के व्हील कैप वगैरह वो सब लगे रहते हैं स्टील रिम्स के साथ। यहाँ पे आपको मिलता है हमारे ORVMs देख लेते हैं ऑटो फोल्ड है कि क्या है। इसमें आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलेगी, हाँ चलिए यहीं से आप फोल्ड अनफोल्ड दोनों कर सकते हो ORVM और एडजस्ट तो हो ही जाएंगे अंदर से। और यहाँ पे हमको जो डोर हैंडल्स है क्रोम में नहीं मिलेंगे, बॉडी कलर में ही डोर हैंडल्स मिलेंगे। सेम पीछे भी हमारे गुडियर के टायर्स मिल रहे हैं, वही इसकी मतलब R16 की प्रोफाइल है, और ये ब्लैक वाले अलॉय व्हील्स मिलते हैं। सामने में आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे, बट पीछे में सिर्फ और सिर्फ ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। पीछे में आप आओगे तो ये देखो मतलब इसका जो लुक है ना, चाहे आप फ्रंट की लुक फ्रंट के लाइट्स वगैरह बोलो या टेल लैम्प्स वगैरह बोलो, हेड लैम्प्स टेल लैम्प्स दोनों भी फ्रॉन्क्स से बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। यहाँ पे हमारे S+ की बैचिंग, अगर आप टोयोटा मारुति की लेते हो तो उसमें आपको वेरिएंट की बैचिंग वगैरह नहीं होती है, यहाँ पे आपको S+ की बैचिंग मिलेगी। यहाँ पे बीच में हमारी नंबर प्लेट आ जाएगी, यहाँ पे अर्बन क्रूजर टेजर की बैचिंग हो गई, और यहाँ पे कनेक्टिंग टेल लैम्प्स तो मिल ही रही है। पीछे में अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ डिफॉगर मिलेगा, वाइपर नहीं मिलेगा, और ये शार्क फिन एंटेना मैंने बताया ही था। इस तरफ में आप क्या हो गए तो यही हमारा फ्यूल लिड हुआ, फ्यूल टैंक वगैरह। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर में।
सबसे पहले दरवाज़ा खोलेंगे तो सेम ग्रैंड विटारा के जैसे इसमें इंटीरियर का है, मतलब ब्लैक और ये ब्राउनिश टाइप में, ये देखो आपको हल्का सॉफ्ट टच मटेरियल, हल्का सॉफ्ट टच यहाँ पे, और ये हमारा मैड ब्लैक में, मतलब ग्लॉस ब्लैक में नहीं है, मैड ब्लैक में है, जो कि ठीक है। यहाँ पे इसकी स्पीकर ग्रिल मिल जा रही है क्योंकि इसमें आपको कंपनी से इंफोटेनमेंट वगैरह मिल जाएगा। इसमें भाई मुझे सबसे खास चीज़ जो लगती है आपको बेस वेरिएंट से, ये आपको भाई तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिलेंगे और 60-40 स्प्लिट सीट भी मिलेगी। अब चलते यहाँ तक आ गए तो भाई मैं बूट भी दिखा देता हूँ उसके बाद, एक मिनट पहले मैं गाड़ी के अंदर बैठ के बता दूँ। एक चीज़ जो है निराशा के साथ बतानी पड़ रही है भाई, इसमें रेयर एसी इवेंट नहीं आते हैं भाई एस प्लस में। जी हाँ भाई, रेयर एसी इवेंट्स नहीं है इसमें, आर्मरेस्ट भी नहीं है, और पीछे में हमको कोई भी ऐसा टाइप सी का यूएसबी का पोर्ट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक भाई 12 वोल्ट का सॉकेट दे दिया है, उसी से अब तुम जुगाड़ पानी अपना करते रहो। पीछे में देखेंगे आपको यहाँ पे हमको हेलोजन में मिलेंगे ये भी लाइट्स, और सामने में दो लाइट वो भी हेलोजन में मिलेंगे। अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो ये देखो भाई आपको इसमें सीट जो है प्रॉपर इसमें ऐसे फैब्रिक वाली मिलेगी, लेदर वगैरह सब नहीं है भाई, इतने में इतना ही मिलेगा आपको। देख कंफर्ट के मामले में देखूँ तो ग्लैंजा वगैरह से ज़्यादा अच्छा आपको कंफर्ट मिलेगा, ग्लैंजा बलेनो से। सीट की जो ये है ना कहीं इतनी बारीकी से कोई नहीं देखता होगा, बट हाँ बैठने पे पता चलता है। अगर मैं लॉन्ग राइड पे जाऊँ इस पे और इस पे तो मतलब मुझे इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो ये मिलता है भाई इसका प्यारा सा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आपको मैंने बताया बीच में 8 इंच वाली मिलेगी, इसमें 10 इंच वाली नहीं मिलेंगी, 10 इंच के लिए आपको टॉप वेरिएंट में जाना पड़ेगा। इसका ना सबसे पहले हम बूट स्पेस देख लेते हैं आगे जाने से पहले। बूट स्पेस में ये हमारा इसमें रिक्वेस्ट सेंसर है, यहाँ पे ये मैंने रिक्वेस्ट सेंसर ये प्रेस करा और ये खुल गया भाई इसका। कुछ इतने लीटर का इसका बड़ा सा बूट स्पेस मिलता है। यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे मिल जाएगी, और जैसे मैंने बताया इसमें बेस वेरिएंट से ही आपको 60-40 स्प्लिट सीट भी मिल जा रही है, यहाँ से अब कट रही है, और तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाएंगे। पीछे में आप देखोगे तो यहाँ पे हमको कोई भी ऐसे बूट लैंप वगैरह नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक हुक दिया हुआ है टंगाने के लिए, और यहाँ पे आपको मिल जाता है अंदर एक स्पेयर व्हील। ये देखो भाई स्पेयर व्हील में आपको कोई भी अलॉय अलॉय नहीं मिलता है, यही नॉर्मल ये अलॉय तो दूर की बात, एक व्हील कैप भी नहीं मिलेगा आपको, बस वो स्टील की रिम है उसी के साथ काम चलाओ। और बाकी बूट स्पेस वगैरह आप देखोगे तो बलेनो और ये इससे अपनी ग्लैंजा वगैरह से ज़्यादा अच्छा मिलता है। यहाँ पे अगर बंद करने के लिए देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ होता है, बट प्रैक्टिकल नहीं है, सीधा यहाँ से वही बंद करो अपना। चलते भाई गाड़ी के फ्रंट में हमारे ड्राइवर साइड की तरफ में दरवाज़ा खोलेंगे तो जैसे मैंने बताया इसमें आपको कोई भी ऐसी कीलेस एंट्री वगैरह नहीं मिलेगी, वही चाबी डाल के गाड़ी भी हमारी स्टार्ट होगी। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे हमको कंप्लीट यहाँ पे भी वही मतलब कहीं भी लेदर वेदर का काम नहीं किया, बस वही फैब्रिक का किया हुआ है। यहाँ पे हल्का सॉफ्ट टच मटेरियल, हल्का सॉफ्ट टच यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, ये जो कि मतलब पूरे मैट ब्लैक में दिए हुए हैं, टॉप वेरिएंट की तरह ग्लॉस में नहीं दिए हुए। यहाँ पे चलो ये जो डिज़ाइन है ये थोड़ा अच्छा यूनिक सा लग रहा है, ये हमारे ORVM फोल्ड अनफोल्ड हो जाएगा यहाँ से और एडजस्ट तो हो ही जाएंगे। सीट को करते हैं पूरी पीछे सीट में हमारी, चलते हैं ये देखो। सबसे पहले अगर मैं इस तरफ का पैनल बता दूं तो देखो ये हमारा आइडियल इंजन स्टार्ट ऑफ हो गया, जो कि वही हमारे फ्यूल सेविंग में काम आता है। जैसे मान लीजिए जैसे हम सिग्नल पर रुकते हैं तो हमारी गाड़ी ऑटोमेटिकली फिर बंद भी हो जाएगी, और तो और फिर ये क्या नाम है अपना क्लच दबाते से ही चालू भी हो जाएंगी हमारी गाड़ी। इधर देखोगे आप तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ के बटन हो गए, और यहाँ पे हमारे हेडलाइट्स के जो बीम हैं वो उसको थोड़े ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक सबसे बढ़िया चीज़ लीजिए जो लग रही है भाई मुझे कंपनी से ही, देखिए इसमें ये हमारे एसी के वेंट्स हो गए, यहाँ से हमारे ऊपर नीचे और यहाँ से स्लाइड हो जाएगी इधर उधर, और यहाँ पे आप देखोगे तो हमारी गाड़ी बन गई है छोटी सी हमारी टेजर। अगर आप बलेनो अगर हमें कहते अच्छी बड़ी स्क्रीन में बन के आती, इसमें बड़ी छोटी सी बन के आई है। यहाँ पे आप देखोगे तो देखो टॉप वेरिएंट लेते तो आपको भले से फिर दोनों साइड आपको कंट्रोल्स वगैरह मिल जाएंगे अंदर के छेड़छाड़ के, बट ये सेकंड बेस है, थर्ड बेस है समझ लीजिए, तो इसमें आपको सिर्फ यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिले हुए हैं, और यहाँ पे हमारे ब्लूटूथ कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट के वो सब मिल रहे हैं भाई। उस तरफ से ना पूरा रिफ्लेक्शन आ रहा है इसलिए वीडियो की क्वालिटी थोड़ी खराब हो रही है। इस तरफ में आपको एसी के वेंट्स मिलेंगे, एसी के वेंट्स बड़े भद्दे दिख रहे हैं यार, मतलब ऐसे पूरे काले काले खाली दिख रहे हैं, इसमें आपको कोई टॉप वेरिएंट में और अच्छे दिखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो बेस वेरिएंट से ही आपको तो पता ही है सब गाड़ी में बेस वेरिएंट से ही आपको ऑटोमेटिक एसी वगैरह सब कुछ मिल जा रहा है। यहाँ पे एक सिर्फ हमको यूएसबी का पोर्ट मिलेगा और यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट। पूरी गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ एक यूएसबी का पोर्ट है और 12 वोल्ट का सॉकेट दो दो देके रखे, यानी पीछे वाले सिर्फ 12 वोल्ट के सॉकेट के भरोसे ही चलेंगे। बाकी अंदर देखोगे तो यहाँ पे आपको 5 गियर का सिस्टम मिलता है, और इस तरफ में मैं ग्लव बॉक्स दिखाता हूँ। ग्लव बॉक्स ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, बट हाँ ठीक है, ओके ओके। उधर भी एक एसी के वेंट्स आ गए। ऊपर में देखेंगे यहाँ पे हमको कोई ना तो टिकट होल्डर, ना तो वैनिटी मिरर, ना तो कोई रीडिंग लैंप्स, ये तीनों भी चीज़ नहीं मिलेगी आपको। इधर में आपको मिल जाएंगे लैंप्स, चलो ठीक है ये तो अच्छी है, मतलब वही हेलोजन में है, LED वगैरह में नहीं है। इस तरफ में देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक हमको मिरर मिल जा रहा है। इधर देखोगे तो हमारे ग्रैब हैंडल सॉफ्ट टच के साथ, और ये रहा हमारा छोटू सा प्यारा सा हैंड ब्रेक,
और ये रहा हमारा 5 गियर का नॉर्मल सिस्टम आता था। 5 गियर का चलिए सब आ ही गए, तो इसका इंजन की हम बात करते हैं। इंजन इसमें आपको ये मिलेगा 1200 का पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटेड में इंजन मिलेगा। अगर आप टर्बो वाला वेरिएंट लेते हैं, अगर आपके पास थोड़े और ज़्यादा पैसे फूकने के लिए, तो टर्बो वाले वेरिएंट में 1000 cc का टर्बोजेट इंजन मिलता है। बट ये हमारा नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो कि हमारे वही 90 bhp के आसपास की कुछ पावर निकालेगा और 123 Nm का टॉर्क निकाल के फेंकेगा, क्योंकि भाई ये गाड़ी 4 सिलेंडर है ना कि 3 सिलेंडर। ठीक है, तो भाई वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।